कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टेबल के साथ किस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। कोई हमने टेबल इंसर्ट कराई है, कोई भी, या ड्रॉ करा लीजिए। ये हमने ड्रॉ कराई है, लीजिए। अगर आपने हमें हमारी टेबल बनाने टेबल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको देखिए, इससे आपको और आसान होगा इसको समझना। मैंने टेबल ग्रुप के बारे में अलग से वीडियो में बताया हुआ है। ये तो मैं फॉर्मेट मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट के बारे में। इसको पेंसिल टूल को दोबारा से क्लिक कीजिए तो ये हट जाएगा। इस टेबल ग्रुप के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने टेबल को किस तरह से अच्छा सा डिज़ाइन देते हैं और क्या लेआउट का उसमें यूज़ होता है, लेआउट का यूज़ कैसे करते हैं। डिज़ाइन और लेआउट तभी खुलते हैं जब हमने टेबल के अंदर क्लिक कर रखा होता है। देखिए, अभी हमने टेबल के बाहर क्लिक किया हुआ है तो कोई डिज़ाइन या कोई लेआउट मेन्यू नहीं खुल रहा है। जैसे हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू खुलने शुरू हो जाएंगे। तो हम डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं अपनी टेबल का, तो इसको टेबल को यहाँ से साइड से सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल पर साइड में बटन आता है, पहले इसको नीचे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर माउस कर्सर लाइए तो ये कोने में बटन आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। डिज़ाइन मेन्यू में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो डिज़ाइन होते हैं। डिज़ाइन यहाँ से बहुत सारे हैं, यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं। डिज़ाइन लेने के बाद भी हमारा जो है टेबल अच्छा नहीं दिखाई देता है क्योंकि उस पर बॉर्डर शो नहीं होते हैं, बॉर्डर अपने आप नहीं आते हैं, लाने पड़ते हैं। फिर इसको यहीं से साइड से सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर करेंगे। आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ का बॉर्डर आएगा, इसकी वजह से टेबल तब भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप ऑल बॉर्डर कीजिए। तो अभी टेबल थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि अभी इसमें सारे बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप टाइप कर सकते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, जो भी आप चाहते हैं वो सब टाइप कीजिए। आप चाहते हैं इस खाने में अलग कलर हो बिल्कुल, तो इस खाने में क्लिक कर दीजिए कहीं भी, और इस खाने में अगर अलग कलर करना है तो वो शेडिंग कहलाएगी। और शेडिंग हम इस तरह से कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने टेबल के अंदर ये शेडिंग होती है। शेडिंग का यहाँ से यूज़ किया जा सकता है आसानी से। इस पर क्लिक कर दीजिए, कलर पर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कलर यहाँ हुआ हुआ है वो यहीं हो जाएगा। आप चाहते हैं ये इसके बॉर्डर्स चेंज हो जाए तो यहाँ पर बॉर्डर्स में जाइए, बॉर्डर के स्टाइल पर किसी पर भी क्लिक कर दीजिए और उसके बाद बॉर्डर एक बार फिर से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, तो ये बॉर्डर उसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया होगा। आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, अभी चेंज नहीं हुआ होगा। बॉर्डर्स में दोबारा से जाइए, ऑल बॉर्डर पर एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। तो ये होता है बॉर्डर। बॉर्डर की आप मोटाई कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो ये कम भर्ती हो जाएगी बॉर्डर की मोटाई। आप इसको सिलेक्ट करके रखिए, पेन टूल से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। हमने ये कलर किया है लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो आप एक बार फिर से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। मैंने नो बॉर्डर पर क्लिक कर दिया था तो ये बॉर्डर आ जाएगा। ड्रॉ टूल पर क्लिक करेंगे तो आप एक और नई लाइन अगर इसके बीच में चाहते हैं तो वो ड्रॉ कर सकते हैं, या बॉक्स चाहते हैं बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ये होता है ड्रॉ टूल, इसकी मदद से हम और भी नई लाइन खींच सकते हैं। ड्रॉ टूल को छोड़ दीजिए। अब आप चाहते हैं कि ये बीच की लाइन हट जाए तो उसके लिए इरेजर टूल लेना होगा। इरेजर टूल लेने के लिए भी हमें डिज़ाइन मेन्यू में ही आना होगा।
ये सारा काम करने के लिए डिज़ाइन मेन्यू में ही आना पड़ेगा। इरेजर लीजिए, उसके बाद इस तरह से जैसे किसी चीज़ को आरी से काटते हैं उस तरह से इस पर फेर दीजिए, तो ये हट जाएगा। ये इस तरह से हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, या पूरे टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टेबल इरेज कर देगा। फिलहाल इसको वापस कर लीजिए कंट्रोल जेड से, और इरेजर को डिज़ाइन मेन्यू में जाकर वापस छोड़ दीजिए। अभी हमारा ये टाइपिंग टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई टेबल इंसर्ट करा लेते हैं, उसके बाद टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी हम लेआउट में चलते हैं, सिलेक्ट किए हुए के पास में एक कॉलम इंसर्ट हो जाए तो इंसर्ट लेफ्ट कर दो, इंसर्ट राइट करोगे तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा, या आप चाहते हैं ये रो मैंने सिलेक्ट की हुई है इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाए तो यहाँ से रो इंसर्ट करा सकते हैं, या ऊपर रो इंसर्ट करा सकते हैं, मर्ज सेल्स कर सकते हैं। आप इतने एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं, ये मर्ज सेल्स हो जाएगा। ये काम आप इरेजर की मदद से भी कर सकते हैं, स्प्लिट सेल्स कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किए हुए में वापस से कॉलम लाना कि कितने कॉलम चाहिए आपको, यहाँ पर 4 कॉलम, नंबर ऑफ रो एक ही चाहिए, तो ये आप इसमें इतने कॉलम्स ला सकते हैं, या स्प्लिट टेबल कर सकते हैं कि ये जो टेबल मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है इस टेबल को बीच में से काटना है और इसके बीच में एक और हेडिंग डालनी है। इस तरह से ये स्प्लिट हेडिंग स्प्लिट टेबल है, इसको कंट्रोल जेड कर लीजिए। जैसे लेआउट में चलते हैं, इसकी हम किसी भी कॉलम की विड्थ या हाइट बढ़ा या कम कर सकते हैं इस तरह से। इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट अक्सर सेंटर में नहीं आता है, कभी कभी लेफ्ट में और राइट में भी आता है, तो हम चाहते हैं ये लिखा हुआ सारा, जब भी मैं इसमें कुछ लिखूँ पूरी टेबल में तो वो लिखा हुआ सेंटर में आए, तो आप इसको सेंटर कर लीजिए। ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, ना टॉप में ना बॉटम में, बॉटम कर देंगे नीचे लिखा हुआ आएगा, लेफ्ट कर देंगे लेफ्ट में आएगा, राइट कर देंगे राइट में आएगा, इस तरह से। तो हम इसको सेंटर रखते हैं, सेंटर में आता है। टेक्स्ट डायरेक्शन आप दे भी सकते हैं यहाँ से कि खड़े में आए या इधर को आए या ऐसे आए, ये टेक्स्ट डायरेक्शन होती है। और ये सेल मार्जिन होता है, सेल्स का मार्जिन भी छोड़ना चाहिए, टॉप को इतना छूटे हर खाने के बाद, ओके करेंगे तो ये इतना छूट जाएगा। सेल्स का मार्जिन ये होता है कि ये जो सेल में लिखा हुआ है इसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस छूट रहा है, तो ये सेल मार्जिन है। लेफ्ट को भी छूट रहा है, राइट को भी छूट रहा है, और टॉप को भी छोड़ सकते हैं आप, ये छूटा देखिए, तो ये सेल मार्जिन कहलाता है। जेड टू एयर वेट जेड ये होता है कि आपने यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो कि ए और बी के फॉर्मेट में है, इस तरह से जेड 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 और डी डी डी, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि ये ए बी सी डी के फॉर्मेट में लग जाए तो इसको ए टू जेड फिल्टर पर क्लिक करो, और कुछ नहीं करना है, वही पुराना तरीका है, असेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो सीधा, और डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये रहा ए टू जेड और जेड टू ए, कुछ नहीं करना है। तो ये था लेआउट, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसको बंद करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।